गुड मॉर्निंग क्लास वर्स वेलकम बैक टू द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो बेटा इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट हाउ वी डू पॉइंटिंग विद द हेल्प ऑफ माउस यानी हम माउस के थ्रू पॉइंटिंग यानी किसी चीज़ को पॉइंट दिखाते कैसे हैं वैन वी ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर अ थिंग ऑन द स्क्रीन और ऑफ द मॉनिटर देन इट इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग जब भी हम मॉइस पॉइंटर को जो इस तरीके का कुछ दिखता है बेटा इसको जब हम कंप्यूटर भी दी किसी भी चीज़ के ऊपर ले जाते हैं उस स्क्रीन पे तो उसको हम क्या कहते हैं पॉइंटिंग दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें साइड में दी हो और आप माउस को ऐसे ड्रैग करते हुए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ले जाओ और वहाँ उस चीज़ को पॉइंट करोगे दैट इज़ नोन एज पॉइंटिंग

अलग अलग तरीके के माउस के अलग अलग बटन्स होते हैं उनमें अलग अलग नंबर्स के बटन्स होते हैं दैट मीन्स टू बटन है तो टू बटन्स होंगे थ्री बटन माउस में थ्री बटन्स ओके सो अलग अलग माउस में डिफरेंट नंबर्स ऑफ बटन अलग अलग नंबर के बटन होते हैं देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक क्लिकिंग वॉट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्लिकिंग सी जस्ट लाइक अ बटन ऑन अ कैमरा जैसे कैमरे पे एक बटन होता है विच गिव्स अस क्लिक साउंड वैन प्रेस्ड जैसे ही आप कैमरे की क्लिक uh, बटन को प्रेस करते हो आपको एक क्लिक का साउंड सुनाई देते हैं कभी सुनिएगा आपको सुनाई देगा माउस बटन ऑल्सो मेक्स अ क्लिक साउंड वैन वी प्रेस इट उसी तरह जब हम माउस को प्रेस करते हैं माउस के बटन को बेटा तो उसमें भी एक क्लिक का साउंड आता है वी कैन सेलेक्ट एनी थिंग ऑन द स्क्रीन बाई प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ऑन इट हम स्क्रीन यानी कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनमें से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू बाय प्लेसिंग माउस पॉइंटर यानी हम अपने इस पॉइंटर को जैसे ही उस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर रखेंगे हम तुरंत उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे ओके okay? वी कॉल इट क्लिकिंग हम उसे क्या बुलाते हैं क्लिकिंग दैट मतलब मेरा कहने से मतलब ये नहीं था बेटा कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर इसको ले जाओगे तो बस ऐसे छोड़ दोगे नो यू हैव टू क्लिक द बटन आप जैसे ही क्लिक करोगे तब आपकी ये पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट होगी दैट मीन्स तभी ये पॉइंट होगी वी कैन ओपन और मूव द थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन बाय क्लिकिंग द माउस बटन हम किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर दी हुई किसी भी थिंग को कैसे ओपन कर सकते हैं क्लिकिंग करके यानी माउस बटन का क्लिक करके हम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल सकते हैं ठीक है ऑलवेज यूज़ योर माउस ऑन अ माउस पैड हमेशा अपने माउस के नीचे उसका माउस पैड जरूर लगा के रखिएगा अदरवाइज आपका माउस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा देन कम्स द सिंगल क्लिक मूव द माउस पॉइंटर टू द माई कंप्यूटर आइकन एंड क्लिक ऑन इट वंस वन सॉन इट सी वॉट हैपन्स द कलर ऑफ द आइकन चेंजेस दिस इज कॉल सेलेक्शन यानी अब जैसे ही आपने माउस पॉइंटर को माई कंप्यूटर आइकन पर आप ले गए और आपने उस पर एक बार क्लिक किया ठीक है किस पर क्लिक किया माई कंप्यूटर आइकन पर ठीक है अब आप क्या देखोगे सी वॉट हैपन्स आप क्या देख रहे हो द कलर ऑफ द आइकन चेंज उस आइकन का कलर यानी ये जो माई कंप्यूटर आइकन है इसका कलर चेंज हो जाएगा दिस इज कॉल सेलेक्शन इसका मतलब आपने ये एक पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट कर ली है ओके देन कम्स द डबल क्लिक मूव द माउस पॉइंटर ओवर द माई कंप्यूटर आइकन एंड डबल क्लिक ऑन इट अब जैसे ही आप उसी माई कंप्यूटर आइकन पे दोबारा से डबल क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर की हेल्प से द माई कंप्यूटर विंडो विल ओपन वो अपने आप ही खुल जाएगी एंड हि कम्स द लास्ट टॉपिक ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ड्रैगिंग मीन्स टू मूव द माउस वाइल प्रेसिंग एंड होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन ओके okay, ड्रैगिंग का मतलब होता है कि माउस बटन को मूव कराना पकड़े रहना और उसको मूव कराना लेफ्ट माउस बटन से ड्रैगिंग मींस टू मूव द माउस माउस को मूव कराना वाइल प्रेसिंग एंड होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन मतलब कैसे हम उसको ड्रैग कराएंगे खींचेंगे कैसे लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके प्रेसिंग दबाए रखे ठीक है एंड नाउ आई एम स्टॉपिंग ही ओनली